मेज नदी पर 19 करोड़ 51 लाख की लागत से बनेगा मिनी डैम। 15 जनवरी को राज्य मंत्री करेंगे शिलान्यास। ग्रामजनों में खुशी की लहर। उपखंड क्षेत्र के सादेड़ा के पास मेज नदी पर 19 करोड़ 51 लाख की लागत से मिनी डैम का शिलान्यास 15 जनवरी को खेल युवा मामला राज्य मंत्री अशोक चांदना करेंगे। वर्षों की मांग पूर्ण होते देख कर गाँव में खुशी की लहर है। यहाँ राज्य मंत्री अशोक चांदना को क्षेत्र के लिए भागीरथ होना बताया जा रहा है। राज्य मंत्री के दौरे को लेकर गुरुवार को सिंचाई विभाग के अधिकारियों में एक्सीएन राजेंद्र पाटनी, एईएन जम्बू कुमार व जेईएन बकीला सिंह ने मौका स्थिति का अवलोकन किया। मौके पर एईएन जम्बू कुमार ने बताया कि मेज नदी पर प्रस्तावित मिनी डैम की 110 मीटर लंबाई, 15 फीट ऊंचाई व 5 मीटर चौड़ाई होगी, जिसका फैलाव 3 किलोमीटर के दायरे में होगा। नैनवा से तुलसीराम सैनी रिपोर्ट। करीब 110 मीटर लंबाई का है ये, और इसमें विंग्स से है जो सेफ्टी लेवल तक जाएगी, MWL तक, और 19.5 करोड़ की लागत है इसकी, और 29.58 MCFT का बनेगा। तो मंत्री जी चांदना जी के प्रयासों से हो रहा है ये सब? हाँ बिल्कुल, मंत्री जी का पूर्ण प्रयास है इनको सेंक्शन कराने में। सर तो कितने समय में इसका काम पूरा हो जाएगा डैम का? इसकी कंप्लीशन तो 2 साल दिए। क्षेत्र के लोगों की 20-25 सालों से मेज नदी पर मिनी बांध बनाने की मांग समय समय पर करते आ रहे हैं। इस बांध के बनने से क्षेत्र के 4-5 पंचायत सादेड़ा, बासी, मरा, डोडी, गुड़ा, सदावर्ती गांवों के का जलस्तर ऊंचा उठेगा। इससे वहां के लोगों की पानी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये बांध बनने से ये हमारे लिए अशोक जी चांदना भागीरथ का काम करेंगे, और इसको लेकर के पिछले साल तीनों चारों पंचायतों के जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोगों द्वारा माननीय मंत्री जी से शिष्टमंडल जयपुर जाकर मिला था। बजट सत्र से पहले इन्होंने इनकी मांग को बजट में, मुख्यमंत्री के बजट में शामिल करवाकर, और आज ये साल भर में ये धरातल पे उन्होंने उनकी व्यक्तिगत मेहनत करके सारे अधिकारियों को बुला करके सारा काम करवा करके ये जो योजना आज शिलान्यास होने जा रहा है 15 तारीख को, जिससे ये इस क्षेत्र के लिए अशोक जी चांदना भागीरथ बन के आई है।